जैन बच्चों, आज आपके लिए लेके आए डिस्टिंक्शन अमंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। हम लोगों ने एल्कोहल शुरू किया हुआ था, तो एल्कोहल के लास्ट में कुछ टेस्ट बनते हैं बच्चों, जहां पे क्वेश्चन आता ही आता है। आपको एक क्वेश्चन मेनली ये देखने को मिलेगा कि अगर आपके पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल है तो आप उसमें कैसे अंतर करेंगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में अंतर करने के लिए कुछ हम लोग यहाँ पर तीन टेस्ट यूज करने वाले हैं। तो पहला टेस्ट होगा ल्यूकास टेस्ट और ग्रूव्स रिएक्शंस। इट शोज द बेसिक नेचर ऑफ एल्कोहल। बच्चों, होता है क्या है कि ल्यूकास टेस्ट या ग्रूव्स रिएक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl का मिक्सचर एज अ रिएजेंट। तो जब कंसनट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आपके एल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका एल्कोहल बेसिक इन नेचर है, बेस है वो। ल्यूकास टेस्ट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्कोहल्स। आप देखेंगे यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होगी और वो अलग अलग रेट से यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। मिक्सचर ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कंसेंट्रेट HCl इज कॉल्ड ल्यूकास मिक्सचर। ये आपको ऊपर बताया था अभी। एल्कोहल्स ऑन ट्रीटिंग विद ल्यूकास मिक्सचर और रिएजेंट एल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वाइट एबिलिटी। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे एल्कोहल के अंदर ल्यूकास रिएजेंट मिलाएंगे, वैसे ही आपको वाइट एबिलिटी वहां पर दिखाई देना शुरू करेगी। तो भाई वाइट एबिलिटी कहां पर दिखाई देगी, कैसे दिखाई देगी, इससे ही अंतर होगा हमारा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल में। आइए रिएक्शन की हेल्प से क्लियर करते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारे टर्शरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और प्राइमरी एल्कोहल, हमने तीनों एल्कोहल लिए हुए हैं और यहाँ पे हमने ल्यूकास या ग्रूव्स रिएजेंट लिया हुआ है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और कंसनट्रेट HCl का मिक्सचर हमने तीनों रिएक्शन पे रूम टेम्परेचर पे लिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका टर्शरी एल्कोहल रूम टेम्परेचर पर ही कन्वर्ट हो गया है टर्शरी क्लोराइड में और इसका जो पीपीटी और जो इसका कलर होता है बच्चों, वो वाइट होता है और वाइट एबिलिटी आपको दिखाई देने लगती है जब आपने टर्शरी एल्कोहल लिया होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल की। अगर आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो वहां पर सेकेंडरी क्लोराइड तो बनेगा, लेकिन इसके बनने में 2 से 5 मिनट लगते हैं रूम टेम्परेचर पे। और अगर आपका प्राइमरी एल्कोहल होगा तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं जाती, यहाँ पे आपको एल्कोहल क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप और आपको कोई भी कलर या वाइट अपीयरेंस दिखाई नहीं पड़ेगी। तो क्लियर हुआ, अगर टर्शियरी एल्कोहल लिया है तो एकदम जैसे ही आप मिक्स करेंगे तुरंत आपको वाइट पीपीटी दिखाई देगा। अगर आपने यहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल लिया है तो रूम टेम्परेचर पे 2 से 5 मिनट लग सकते हैं वाइट एबिलिटी या वाइट अपीयरेंस शो होने में, लेकिन अगर आपने प्राइमरी एल्कोहल लिया तो रूम टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा। सेकेंड लेते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। Different alcohols give different color in this test. बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि primary, secondary और tertiary alcohol विक्टर मेयर टेस्ट में अलग अलग कलर देते हैं और इन कलर की हेल्प से ही हम लोग पहचान पाते हैं कि हमारा अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो हमने यहाँ पे लिया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल में हम पहले स्टेप में फास्फोरस आयोडीन के साथ रिएक्ट कराते हैं जिससे OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है आयोडो में और हमारा अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है आयोडो एल्केन में। अब अगले स्टेप में नंबर 2 स्टेप में हम लोग AgNO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो आयोडो ग्रुप जो होता है वो नाइट्रो में कन्वर्ट हो जाता है और थर्ड और लास्ट स्टेप में हम लोग NaNO2 और कंसनट्रेट HCl का मिक्सचर लेते हैं जिससे रिएक्शन के अंदर ही इनसीटू बनाया जाता है नाइट्रस एसिड HNO2 और इससे कन्वर्ट करके हमारा नाइट्रो एल्केन कन्वर्ट हो जाता है ब्लड रेड कलर के नाइट्रोलिक एसिड में। क्लियर हुआ बच्चों आपको, जहां पर नाइट्रो ग्रुप लगा है उस कार्बन से दोनों H निकल जाते हैं और डबल बॉन्ड बना के NOH ग्रुप आ जाता है, इस कंपाउंड को नाइट्रोलिक एसिड कहा जाता है। अब हमने सेकेंडरी एल्कोहल लिया है, सेकेंडरी एल्कोहल में हम 3 स्टेप में रिएक्शन कराएंगे। तो पहले स्टेप में फास्फोरस आयोडीन लेंगे जिससे OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा आयोडो में, फिर उसके बाद AgNO2 के साथ ट्रीट कराएंगे तो आयोडो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रो डेरिवेटिव में और लास्ट स्टेप में हम लोग नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर वाले में जिस ग्रुप पे लगा था हमारा नाइट्रो ग्रुप, वहां पर दोनों एच निकल गए थे और NOH ग्रुप आ गया था, लेकिन यहाँ पे एक ही एच है तो यहाँ पे बॉन्ड सिंगल बनेगा बेटा और ये कन्वर्ट हो जाएगा NO डेरिवेटिव में और ये कहलाता है सीडो नाइट्रोल जिससे कलर होता है ब्लू। तो याद रखिएगा, अगर आपके विक्टर मेयर टेस्ट में अंदर ब्लू कलर आता है तो आपका वो सेकेंडरी एल्कोहल होगा, अगर आपके एल्कोहल से ब्लड रेड कलर आता है विक्टर मेयर टेस्ट में तो समझ जाइए कि वो एल्कोहल प्राइमरी होगा।
लेकिन क्या खींचेगा, अगर टर्शरी अल्कोहल है तो टर्शरी अल्कोहल में विक्टर में टेस्ट में कोई कलर नहीं आता है, टर्शरी अल्कोहल रिएक्शन में कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, ब्लू होगा तो सेकेंडरी होगा और रेड होगा तो प्राइमरी। अब थर्ड टेस्ट लेते हैं बच्चों, एक्शन ऑफ होट कॉपर की। अगर आप अल्कोहल को प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को होट कॉपर से ट्रीट करते हैं, होट कॉपर से ट्यूब से पास करते हैं तो क्या होगा। तो हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल तीनों को एक साथ ले लिया है, तो हमने यहाँ पर रेड हॉट कॉपर ट्यूब से इन तीनों अल्कोहल को अलग अलग पास किया है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ से एक एच और एक एच हमारा ओ एच से बाहर निकलता है, एच टू बाहर निकल जाता है और प्राइमरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है सी एच थ्री सी एच ओ में। सेकेंडरी अल्कोहल में आप देख पा रहे हैं कि एक एच तो हमारा कार्बन से जाएगा बच्चों ये वाला, और एक हमारा जो है ओ एच से एच निकलता है, तो यहाँ से एच टू बाहर निकल गया है और ये कन्वर्ट हो गया है हमारा सी डबल बॉन्ड ओ में, तो ये हमारा कीटोन बन गया है बच्चों। टर्शरी अल्कोहल में ध्यान रखिएगा कि जब आप टर्शरी अल्कोहल के लिए जाते हैं तो बच्चों यहाँ से आपका ओ एच और यहाँ से एक एच बाहर निकल जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे बचेगा आपका क्या सी एस टू। देखिए बॉन्ड क्या हो गया डबल सी एस टू। तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है जब आप लेते हैं टर्शियरी अल्कोहल, और यहाँ पर मिलेगा आपको एल्कीन। ध्यान रखिएगा रेड हॉट कॉपर से अगर आप टर्शियरी अल्कोहल को पास करेंगे तो डिहाइड्रेशन होगा यानी वाटर बाहर निकलेगा और आपका टर्शियरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल है तो वहाँ पर एच टू गैस बाहर निकलता है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। तो कोई भी आदमी बच्चों इन तीन टेस्ट की हेल्प से ये पहचान कर सकता है कि दिया वो अल्कोहल प्राइमरी होगा सेकेंडरी होगा या टर्शियरी होगा। होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज हमने तीन टेस्ट की हेल्प से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में अंतर किया।